आप लोग हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और वो रेसिपी है हम सबकी पसंद बैंगन का भरता। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन को थोड़ा सा बीच से कट करेंगे। इसको इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। और इसमें हम अब ये लहसुन की कली ऐड कर देंगे ताकि ये भी बैंगन के साथ साथ अच्छे से भुन जाए। इसके बाद हम बैंगन पर थोड़ा सा ऑयल अच्छे से लगा लेंगे और अब हम भरते को भट्टी वाला स्वाद देने के लिए बैंगन को गैस पर ही भून लेंगे और इसके भूनने तक का वेट करेंगे। बैंगन हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम इसको साफ कर लेंगे। बैंगन को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और अब हम इसका भरता बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल ऐड कर लिया है और अब मैं गैस ऑन करूँगी और इसके गर्म होने तक का वेट करूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है और मैंने यहाँ पे दो कटे हुए प्याज लिए हैं, वो मैं ऑयल में ऐड कर दूँगी और इसके ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और मैंने यहाँ पे तीन टमाटर छोटे छोटे काट लिए हैं, इनको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे से मिलाएंगे। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर के गलने तक का वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा भुन चुका है और टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें ये भुने हुए बैंगन भी ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मसाला बहुत अच्छे से मिल चुका है और अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे ये तीन कटे हुए हरी मिर्च लिए हैं, वो भी मैं इसमें मिला दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और इसके गलने तक का वेट करेंगे, इसको हम ढक देते हैं। अब हम एक बार भरते को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैंगन का भरता हमारा बनके तैयार हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है और अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया ऐड करने से इसमें और ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे बैंगन का भरता बनके तैयार हो चुका है और एक बार फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।